Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is what happened to the reptiles. अब बच्चों कल हमने इसका first part पढ़ा था और उसमें हमने देखा था एक पेम्बूपति जो है village के बारे में हमने discuss करा था और narrator कौन है story का प्रेम और प्रेम बता रहे थे किस तरह से वो पेम्बूपति पहुंचे थे जब उनके village में जो है कुछ जो है कंडीशन ऐसी बन गई थी क्रिटिकल कंडीशन बन गई थी और जो है जिस तरह से वहाँ पे बताया था कि कॉर्नर ऑफ द विलेज या कहीं पे जो है कोई मॉस्क या टेंपल को बर्न कर दिया था उसकी वजह से लोग जो है क्या हो गए थे मैड हो गए थे और उन्होंने घर जलाने शुरू कर दिए थे और उसमें से एक घर जो था प्रेम का भी था और इस तरह से वो भागते भागते कहाँ पहुँच गए थे पेम्बूपति और जब वो पेम्बूपति में पहुँचे तो वहाँ देखा उसने हर तरह के लोग थे और किस तरह से सारे लोग जबकि वो स्ट्रेंजर था फिर भी लोग जो है उससे विजिट करने मिलने के लिए जो है मीटिंग कर रहे थे मिलने आ रहे थे तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था और एक ओल्ड मैन थे जो उसकी जो है क्या कर रहे थे केयर कर रहे थे और किस तरह से उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक स्टोरी बताऊंगा जिससे कि तुम्हारे गांव के लोग जो हैं वो भी हील हो जाएंगे उनके वुंड जो घाव दिए हैं दूसरी कम्युनिटी ने तो किस तरह से जो हैं वो बाहर निकलेंगे तो इसी को जो है हम कंटिन्यू करेंगे तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन तो बच्चों हमने पढ़ा था ये व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स दिस इज योर 9th चैप्टर और पेम्बूपति एक पीसफुल विलेज है और वहाँ पे जो है बहुत सारे जो है लोग हर कम्युनिटी के लोग जो है वहाँ पे रहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे जो है वहाँ पे रहते हैं और एक शांतिपूर्ण जो पीसफुल विलेज है और यहाँ पे प्रेम नरेटर बताते हैं कि किस तरह से जो है वो वहाँ पे पहुँचे तो दिस स्टोरी सेज दैट ईच पर्सन हर व्यक्ति की जो है अपनी एक यूनिक इम्पॉर्टेंस होती है एंड रोल यह है कि सबका नेचर जो है बच्चों अलग अलग होता है सब जो है बिहेव अलग अलग करते हैं नेचर अलग अलग होता है कोई काइंड होते हैं कोई क्रूएल होते हैं सबका नेचर जो है अलग अलग तो यहाँ पे इस तरह से बताया है कि दिस स्टोरी सेज दैट ईच पर्सन हैज हिज ओन यूनिक इम्पॉर्टेंस एंड रोल पीपल इन दिस वर्ल्ड ऑफन फाइट एंड क्रिएट डिस्टर्बेंस अब कुछ लोग होते हैं ना कि जो क्या करते हैं लड़ाई या क्रिएट डिस्टर्बेंस करते हैं इन द नेम ऑफ द रिलीजन धर्म के नाम से जो है लड़ाई होती है हमारे देश में जिस तरह से लोग लड़ते हैं ए विलेज पेम्बूपति इन द स्टोरी डेवलप्ड अ न्यू एंड डिफरेंट वर्ल्ड और एक जो है विलेज की बात करिए पेम्बूपति और वहां पे जो है लोगों ने जो है एक डिफरेंट टाइप का जो है न्यू वर्ल्ड बना रखा है तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे दे आर वेरीड पीपल लिव टूगेदर हर धर्म के लोग वहाँ रहते हैं हैप्पीली रहते हैं इन परफेक्ट हार्मनी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ डिफरेंसेस तो बच्चों ये हमने पढ़ा था कि कल किस तरह से जो है जो प्रेम थे जो अपने विलेज को जब उन्होंने देखा था कि जो विलेज बर्न हो रहे हैं उसमें से वन ऑफ देम वॉज तो उसने देखा था कि जो है मैनी हाउसेज वो बर्न डाउन इन द फायर और उसमें से जो एक घर था वन ऑफ देम ऑफ हिज ओन उसका अपना घर था और उसने वहाँ से क्या करा था ग्रैब करे थे कुछ क्लोथ्स ग्रैब करे थे ग्रैब फ्यू क्लोथ्स कॉइन्स अ लिटिल गणेश स्टैचू और वहाँ से जो है वो भागता भागता कहाँ पहुँचा था पेम्बूपति और वहाँ पे जाके जब उसने आंखें खोली तो वहाँ पे जो एक ओल्ड मैन था जिसकी क्या थी वाइट हेयर थे लॉन्ग बियर्ड थी और शाइनिंग जो है ब्लैक आईज थी और उसको जो है वो केयर कर रहे थे और किस तरह से उसको खाना खिला रहे थे putting food in his mouth and bringing sweets ला रहे थे cool water from the stream ठंडा पानी पिला रहे थे और जब उसने he rubbed my gently मतलब वो कह रहे अपनी gaze gently and made the pain go away और जब उन्होंने rub करी उसकी feet तो क्या हुआ जो दर्द था सारा जो है वो चला गया neighbors strangers और हर तरह के लोग जो है वहाँ से मिलने आ रहे थे और फिर उन्होंने जो है उनसे पूछा था कि भाई यहाँ पे जो है मैंने कभी इन लोगों को नहीं देखा है बट और ये जो है लाइक द विलेजर्स और यहाँ पे जो है आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हियर कि यहाँ पे जैसे लोग हैं ऐसे मैंने कहीं नहीं देखा है प्रेम ने उनसे बोला क्योंकि मेरे विलेज में जो लोग हैं क्या करते हैं फाइट करते हैं इन द नेम ऑफ द रिलीजन तो वहाँ पे जो है वो ओल्ड मैन थे वो उनको बताते हैं कि मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगा और मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वुंड्स और जो उनके घाव हैं जो एक दूसरों के जो है भेदभाव रखते हैं ना नेम ऑफ द रिलीजन तो हो सकता है मे बी इस स्टोरी के थ्रू जो है वो हील हो जाए राइट तो ये हमने बच्चों कल डिस्कस करा था तो आज हम जो है इससे आगे पढ़ेंगे कि बहुत समय पहले जो है पेम्बूपति में जो है कोई विलेजेस नहीं थे
कोई एनिमल्स नहीं थे, खाली क्या थे वहाँ पे रेप्टाइल्स। और वो जो हैं हर महीने जो है एक मीटिंग रखते थे, और उनका हेड कौन था, मकारा, जो वो चेयर करता था मीटिंग को, हेल्प करता, राइट, मिस यूजिंग हिज पावर। और एक बार ये क्या हुआ कि मकारा यूज्ड, क्या करी उसने अपनी पावर को जो है क्या करा, मिस यूज करा, एट ऑर्डर द टॉर्टोइजेस एंड स्नेक्स टू लीव द फॉरेस्ट, कि इमीडिएटली जो है आप लोग यहाँ से चले जाएं। तो कभी भी हमें अपनी पावर को जो है मिस यूज नहीं करना चाहिए, राइट। इट हैपेंड अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो, ही बिगेन सो लॉन्ग एगो। अब जो ओल्ड मैन थे वो एक स्टोरी सुना रहे हैं, उनको किसको, प्रेम को सुना रहे हैं, और कह रहे हैं कि सो लॉन्ग एगो दैट देयर वर नो स्कूल्स, कि कोई स्कूल नहीं थे पेम्बुपति में। चिल्ड्रन जो है कहाँ रहते थे, केव्स में रहते थे, गुफा में रहते थे विद पेरेंट्स। और उनको जो है क्योंकि उस समय जो है वो डिपेंड थे फ्रूट्स में और बेरीज जितनी जो है फॉरेस्ट में पाई जाती थी, तो हेल्प देम टू कलेक्ट, और उनको जो है हेल्प करते थे बच्चे जो केव्स में रहते थे फ्रूट्स और बेरीज को कलेक्ट करने के लिए। एट द टाइम देयर वर नो टाइगर्स, उस समय जो है कोई टाइगर्स नहीं था, कोई भी एनिमल्स नहीं थे, टाइगर्स नहीं थे, पैंथर्स नहीं थे, इवन एलिफेंट्स भी नहीं थे इन पेम्बुपति फॉरेस्ट में। उस गांव का जो फॉरेस्ट था वहां पे कोई एनिमल्स नहीं थे, देयर वर ओनली रेप्टाइल्स, और बहुत डिफरेंट काइंड्स के जो है रेप्टाइल्स उस फॉरेस्ट में थे, पेम्बुपति फॉरेस्ट। नाउ यू नो वॉट रेप्टाइल्स आर। अब रेप्टाइल्स जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो रेप्टाइल्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं ऑन द ग्राउंड, राइट। तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो है स्नेक थे, क्रोकोडाइल्स थे, टर्टल्स थे, लिजर्ड्स थे, एंड यू नो दैट अ रेप्टाइल हैज स्केल्स, और उनकी बॉडी में क्या होते हैं बच्चों, स्केल्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ऐसे करके जो है, ऐसे करके जो है स्केल्स बने रहते हैं उनकी बॉडी में, जो उन्हें जो है क्या करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं, राइट। तो स्केल्स एंड ले इट्स एग्स, और वो जो है अंडे देते हैं। रेप्टाइल्स क्या करते हैं बच्चों, ले एग्स, अंडे देते हैं एवरी मंथ। रेप्टाइल्स और पेम्बुपति हैड अ बिग मीटिंग, और जो पेम्बुपति के जो रेप्टाइल्स हैं, जैसा कि अभी मैंने पॉइंट्स में बताया था कि वो क्या करते थे, एक बड़ी सी मीटिंग करते थे जिसमें जो है एवरी वन केम, जितने रेप्टाइल्स, क्योंकि और एनिमल्स तो रहते नहीं थे, तो जितने रेप्टाइल्स थे वहाँ पे एवरी वन केम द प्रिटी एक्साइटेड। अब स्नेक्स को क्या बोला, एक्साइटेड, प्रिटी एक्साइटेड, द स्लो एंड थॉटफुल टॉर्टोइजेस, द क्लावर क्विक लिजर्ड्स, आप लोगों ने देखी होगी लिजर्ड्स कैसी जो हैं, कैसी होती है, क्लावर क्विक, एंड द मूडी क्रोकोडाइल्स, और कभी कभी जो है ग्रम्पी, गुस्सा आ जाता था बिकॉज दे वर आउट ऑफ वाटर, क्योंकि मीटिंग के लिए उनको जो है पानी से बाहर निकाला जाता था, दैट इज वाई जो है उनको गुस्सा आता था। द प्रेसिडेंट ऑफ दीज मीटिंग जो थी वो कौन था, मकारा, द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट, उस जंगल का जो है सबसे बड़ा जो क्रोकोडाइल था, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट क्रोकोडाइल, मकारा। ऑल द एनिमल्स थॉट ही वाज वेरी इंपॉर्टेंट, अब क्योंकि वो जो प्रेसिडेंट था तो सब लोग जो हैं उसको बहुत ज्यादा मानते थे और कहते थे कि ही वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। व्हेन समवन इज स्ट्रांग एंड पावरफुल, यू नो इट इज डिफिकल्ट नॉट टू गो अलोंग विद व्हाट ही सेज और डज। अब जब कोई व्यक्ति जो है बच्चों क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, ये पावरफुल होता है, तो वो जो बोलता है तो उसके अगेंस्ट जाना जो है बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फिर क्या करेगा वो, या तो देश काला कर देगा या क्या करेगा, पनिशमेंट देगा। तो लोग क्या, तो जो जितने एनिमल्स थे वो क्या सोचते थे, ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो वो कहता था चाहे राइट होता था चाहे रॉन्ग होता था उसको फॉलो करते थे। Now one day strange thing happened. एक दिन क्या हुआ, it was a week before one of the monthly meeting. Monthly meeting से एक हफ्ते पहले की बात है, मकारा sent a letter to the tortoises. अब मकारा ने क्या करा कि he wrote a letter and sent it to tortoises. Tortoises को भेज दिया, asking them not to come to the meeting. अब उसने कहा कि भाई तुम meeting में नहीं आओगे। आहिस्ते, एक आहिस्ते जो है बहुत बड़ा जो है old big tortoise था, जिसकी जो है पिक्चर्स जो है शेल में जो है क्या बने हुए थे, ब्लैक और येलो पिक्चर्स, वॉज वेरी एंग्री, उसको जो है बहुत गुस्सा आया कि भाई जब सारे रेप्टाइल्स आ रहे हैं, सारे एनिमल्स आ रहे हैं मीटिंग में, तो भाई हमें क्यों मना करा है, व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या, ही शाउटेड, हाउ डेयर दे, कैसी इनकी हिम्मत हुई, बट नॉट वन ऑफ द टॉर्टोइस, अब जितने भी टॉर्टोइस थे उसमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई टू अटेंड द मीटिंग, कि वो मीटिंग जाके अटेंड करे, किसी की हिम्मत नहीं हुई, सब डरे हुए थे,
एंड देवर क्यों डरे हुए थे, क्योंकि वो थोड़े थे, देवर फ्यू, और जो एनिमल्स थे या रेप्टाइल्स थे वो मतलब नंबर्स में ज़्यादा थे. देवर सो फ्यू द अदर्स मैनी बिफोर द मीटिंग द जायंट मकारा. और मकारा क्या करता था, जब भी कोई मीटिंग को करता था उसको तो क्या करता था, अपने दांतों को जो है वो पॉलिश करता था. रेड फ्लावर्स ऑफ द ट्री बाय द रिवर, रिवर के किनारे एक पेड़ था उसमें जो है रेड फ्लावर्स थे, उससे अपने दांतों को तब तक जो है क्या करता था, रब करता था टिल दे स्पार्कल, जब तक कि वो जो है चमकने नहीं लगते थे. एवरीवन वाज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस. अब सब लोग जो है मीटिंग प्लेस में जो है उसका वेट कर रहे थे, और वो क्या कर रहा था, अपने दांतों को क्या करता था, स्पार्कल कर रहा था विद रेड फ्लावर्स. अब जब मीटिंग प्लेस में वो पहुंचा तो उसने देखा कि सारे लोग जो हैं दे ऑल वर वेटिंग फॉर हिम. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ही बिगेन. अब उसने कहा भाइयों और बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऑल द रेप्टाइल्स इवन द ब्यूटीफुल किंग कोबरास स्टॉप टॉकिंग. अब जैसे ही उसने बोला ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहनों, तो जितने रेप्टाइल्स थे, इवन एक सुंदर सा जो किंग कोबरा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कोबरा थे, उन्होंने भी जो है दे स्टॉप टॉकिंग, और जो बातें कर रहे थे सब जो है चुप हो गए. जैसे उसने कहा ब्रदर्स एंसेस्टर्स, तो दे स्टॉप टॉकिंग. मकारा कंटिन्यू दिस स्पीच. अब मकारा क्योंकि वो जो प्रेसिडेंट था मीटिंग का, तो उसने कंटिन्यू करी अपनी स्पीच की. आई हैव डिसाइडेड दैट वी डोंट नीड द टॉर्टॉइस. अब उसने कहा कि भाई हमने जो है क्या डिसाइड कर दिया कि टॉर्टॉइस की जो है हमें ज़रूरत नहीं है. आई हैव टोल्ड देम टू कम टूडे, नॉट टू कम टूडे. और मैंने उनको जो है बोल दिया है कि आज की मीटिंग में वो नहीं आएंगे. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहनों, कैन यू टेल मी वाई वी डोंट लाइक द टॉर्टॉइस. कि क्या आप लोग बता सकते हैं कि हम टॉर्टॉइस को क्यों नहीं पसंद करते, कि आप में से कोई बता सकता है. उसने कहा भाइयों और बहनों, कैन यू टेल मी वाई वी डोंट लाइक द टॉर्टॉइस. द रेप्टाइल्स लुक दिस वी एंड दैट. अब जो है सारे लोग जो है एकदम शॉक्ड हो गए, इधर उधर देखने लगे. दे फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, क्योंकि उन्हें किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई डिसीजन लेंगे हम मीटिंग में. तो एवरी वन वॉज शॉक्ड, दे फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल. द स्नेक्स हिस्ड एंशियसली. और सबको पता है स्नेक्स क्या करते हैं, हिस्ड करते हैं. द लिजर्ड्स रिगल्ड देयर टेल्स, घुमाने लगी. द क्रोकोटाइल्स ओपन देयर जॉज इवन वाइडर, उसने भी जो है अपना जबड़ा जो जॉज था वो बहुत ज़्यादा खोल दिया. सब एवरी वन वॉज शॉक्ड बट सेड वन लिटिल लिजर्ड. अब जैसे ही एक लिजर्ड जो है बोलने के लिए उठी, सेड वन बट, जैसे ही उसने बोला तो मकारा जो प्रेसिडेंट था मीटिंग का, उसने बोला नो बट्स. एकदम से उसको क्या करा दिया, उसने चुप करा दिया. किसने बोला था बट. अब जैसे ही वो बोलने लगी लिजर्ड, तो जो मकारा था एकदम से उसको क्या करा, उसने जोर से चिल्लाया, शाउटेड नो बट्स, कोई बट्स नहीं. देयर वाज साइलेंस, सब लोग जो हैं क्वाइट हो गए, चुप हो गए. आई थिंक सेड अ बेबी क्रोकोडाइल. अब जैसे ही बेबी क्रोकोडाइल ने जो है बोला आई थिंक, तो फिर से मकारा जो है सेड अगेन, शाउट स्क्रीम्ड मकारा, नो आई थिंक, नो थिंक्स, कि कोई थिंग्स नहीं है. उसको भी उसने जो है चिल्ला के, जो स्क्रीम टू मैंने चिल्लाना, एकदम उसे चुप करा दिया. सो लाउडली दैट द फ्रूट इन द ट्री अबव हिम रेन डाउन. और इतनी जोर की उसने शाउट करा कि जितने पेड़ों में फ्रूट्स थे वो क्या हुए, जैसे बारिश होती है ना बच्चों, वैसे वो जमीन पे गिरने लगे, रेन डाउन, सारे गिर गए. जैसे मकारा चिल्ला नो थिंग्स, नो बट्स, तो इतनी जोर का उसकी आवाज़ थी कि इवन जो फ्रूट्स थे कहाँ पे, ट्री में थे, सारे के सारे जो है ऑल फॉल डाउन, नीचे गिर गए. आफ्टर दैट, अब इसके बाद जो है किसी की हिम्मत नहीं हुई. दैट नो वन हैड द करेज टू स्पीक, किसी की हिम्मत ही नहीं हुई बोलने की. मकारा क्लियर्ड हिज थ्रोट. अब उसने अपना गला साफ करा एंड शोड अ फ्यू मोर टीथ. फिर उसने दांत निकाले अपने बाहर. वेल ही सेड I will tell you why. अब उसने कहा ठीक है मैं बताता हूँ तुम्हें कि हमें क्यों, why we don't like the tortoise, कि हमें क्यों नहीं पसंद है tortoise. तो उसने कहा they are very slow, they are so slow, बहुत धीमे चलते हैं, so stupid है,
और उसी का दे इवन कैरी देयर हाउसेज ऑन देयर बैक्स. कि तुमने कोई जानवर देखा है कि जो अपना हाउस जो है, अपना घर जो है, अपने पीठ पे लेके घूमता है? तो उसने कहा ये रीजन है कि मैं जो हूँ उनको नहीं पसंद करता हूँ. एक तो वो बहुत स्लो हैं, स्टूपिड है, और जो है क्या करते हैं, इवन दे कैरी देयर हाउसेज ऑन देयर बैक्स. हु एवर हर्ड ऑफ सच अ स्टूपिड थिंग? किसी ने कभी ऐसा सुना है? नाउ यू लिजर्ड्स. उसने लिजर्ड्स के लिए बोला, भाई तुम तो कहाँ रहते हो, यू लिव इन ट्रीज, वुड यू एवर कैरी अ ट्री ऑन योर बैक? क्या तुम कभी कोई ट्री को अपने पीछे लेके घूमती हो? ट्री तुम्हारा घर है. और ये इतने स्टूपिड एंड टॉर्टोइज़ेस कि ये अपना जो हाउस है वो अपने पीठ पे ले घूमते रहते हैं. वुड यू? स्मॉल फ्राइटेंड वॉइसेस आंसर्ड टुगेदर. अब जितने लोग थे वहाँ पे, जितने एनिमल्स थे, सब गए, डर गए और धीरी आवाज में बोले उन्होंने, फ्राइटेंड वॉइसेस में, घबरा के उन्होंने क्या बोला, नो वी वुड नॉट. बट फिर से उन्होंने कहा, हम तो नहीं लेके चलते, बट परंतु जैसे ही उसने बोला बट, तो फिर से उसने बोला, नो बट्स नाउ, लिसन, आई हैव टोल्ड द टॉर्टोइज़ेस दैट दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ पेम्बुपति. कि मैंने बोल दिया है कि जितने टॉर्टोइज़ हैं वो पेम्बुपति से जो है बाहर चले जाएंगे आज, राइट? व्हेन दे गो वी विल हैव मोर ऑफ एवरीथिंग. अब उन्होंने कहा, भाई अभी हम शेयर करते हैं ना, हम एनिमल्स जितने भी हम रेप्टाइल्स हैं तो हम जो है सारे शेयर करते हैं. अब जब वो चले जाएंगे तो उनका जो खाना होगा वो भी तो हमें मिलेगा. तो उसने कहा, व्हेन दे गो वी विल हैव मोर ऑफ एवरीथिंग. कि हमें सब कुछ ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा, मोर फूड खाने को ज़्यादा मिलेगा, मोर वाटर, मोर स्पेस जो वो यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें क्या है, ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगी. आई वॉन्ट देम आउट ऑफ आउट बाई टमोरो. कल तक जो हैं सारे टॉर्टोइस जो हैं पेम्बुपति से क्या करें, मूव आउट, राइट? सारे के सारे जो हैं मूव आउट फ्रॉम पेम्बुपति. बट बिकॉज दे आर सच स्लो कोचेस. अब उसी का, भाई ये तो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, स्लो कोचेस हैं, आई हैव गिवन देम वन वीक. इसलिए मैंने इनको क्या करा है, एक हफ्ते का टाइम दिया है, वन वीक का टाइम है. आई हैव गिवन देम वन वीक. By next Tuesday, we won't have a single tortoise left in this jungle. अब उन्होंने कहा कि next Tuesday तक जो हैं जंगल में जो हैं मुझे एक भी tortoise नहीं मिलना चाहिए. कि वो जो हैं have a single tortoise left in this jungle. इस जंगल में जो पेम्बुपति का फॉरेस्ट है यहाँ पे मुझे एक भी जो है tortoise दिखना नहीं चाहिए. And by the following Tuesday, they were all gone. अब जैसे उसने ऑर्डर दिए थे तो क्या हुआ कि ट्यूजडे तक जितने टॉर्टोइज़ थे सारे के सारे जो हैं मूव आउट कर गए. कहाँ से? पेम्बुपति से, राइट? अब दे वर ऑल गॉन. एट फर्स्ट द एनिमल्स वर सैड. अब शुरू में तो है सारे एनिमल्स जो हैं बहुत सैड हो गए. बट देन दे रियलाइज दैट वॉट मकारा हैड सैड वॉज ट्रू. पहले तो बहुत सैड हुए परंतु बाद में उन्होंने रियलाइज़ करा, अरे मकारा ने जो बोला है वो तो सही है. अब क्या बोला था मकारा ने कि अगर सारे टॉर्टोइज़ चले जाएंगे तो मोर फूड, मोर वाटर, मोर स्पेस. तो हमारे पास सारी चीज़ें क्या होगी, ज़्यादा खाना भी ज़्यादा होगा, मोर फूड, राइट, मोर स्पेस, मोर वाटर, जो जो वो चीज़ें यूज़ करते हैं सारा हमें जो है ज़्यादा क्वान्टिटी में मिलेगा, ज़्यादा नंबर्स में मिलेगा, राइट? There was more food, more water, more space for them. But soon, परंतु जल्दी ही उन्हें पता चल गया कि इम्पोर्टेंस क्या है इस टॉर्टोइज़ की. क्योंकि जो हमारा बच्चों सिस्टम है कैसे बैलेंस होता है, हम एक दूसरे पे क्या होते हैं, इंटरडिपेंड रहते हैं, राइट? कभी देखा है आपने कि जो शेर जो है फ्लैश खाता है, उसको जो बच्चा बच्चा कौन खाते हैं, वल्चर्स खाते हैं. क्यों खाते हैं? अगर वो नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट क्या होगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा, अनप्लेजेंट स्मेल आएगी. तो हम सब जो हैं एक दूसरे पे इंटरडिपेंड रहते हैं, राइट? तो यहाँ पे भी तभी हमारा जो है इकोसिस्टम क्या रहता है, बैलेंस रहता है. तो उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी ही जब सारे टॉर्टोइज़ चले गए तो जंगल में क्या हुआ, बट सून ए स्ट्रेंज स्मेल, एक अनप्लेजेंट जो है स्मेल बिगिन टू फिल द फॉरेस्ट. पूरे फॉरेस्ट में जो है एक अनप्लेजेंट स्मेल जो है आने लगी. इट वॉज अ स्मेल ऑफ रॉटिंग फ्रूट. जितने फ्रूट जो सड़ने लगे ऑन द ग्राउंड, जो टॉर्टोइज़ खाते थे, जो सड़े हुए जो हैं फ्रूट जमीन में गिरते थे उनको कौन खाता था,
टॉर्टोइसेस. अब जब टॉर्टोइसेस जो हैं दे मूव आउट ऑफ पैम्बूपती, तो क्या हुआ, वो सड़े हुए जो हैं रॉटिंग जो फ्रूट से उससे क्या होना होने लगी, और जो रॉटिंग एनिमल्स थे इन द रिवर सबसे क्या आने लगी, एक स्मेल आने लगी. दिस वॉज वॉट द टॉर्टोइस यूज टू ईट. जितने रॉटिंग फ्रूट्स होते थे या रॉटिंग एनिमल्स होते थे, जो एनिमल्स मर जाते थे उनकी डेड बॉडी जो है वो टॉर्टोइस खाते थे, या रॉटिंग फ्रूट्स थे जो सड़े हुए फल थे सारे कौन खाते थे, टॉर्टोइस. अब टॉर्टोइसेस जब वहाँ से मूव आउट कर गए पैम्बूपती से, तो क्या बचा वहाँ पे, तो क्या होगा बच्चों, जब चीज़ें जो हैं सड़ेगी. अब एक दिन हम अगर कूड़ा घर का फेंकते नहीं है तो क्या होता है बच्चों, स्मेल आने लगती है, बैड स्मेल आने. तो सिमिलरली अगर कोई रोटिंग एनिमल पड़ा है वहाँ पे, या रिवर पे है, या रोटिंग फ्रूट्स हैं जिनको टॉर्टोइसेस खाते थे, तो जब टॉर्टोइसेस नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस है कि वहाँ पे क्या आएगी, बैड स्मेल. इवन वो कह रहे हैं नॉट इवन मकारा जो था हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विद हिज बिग क्लॉज. अब इतनी ज़्यादा फॉरेस्ट में जो है क्या आने लगी, स्मेल आने लगी, बैड स्मेल, कि इवन की जो मकारा था वो भी अपनी नाक को जो है अपने बिग जो है क्लॉज से बंद करके जो है चल रहा था. ए मंथ पास्ड बाय, एक महीना बीत गया, एंड देन द सेम थिंग हैपेंड ऑल ओवर अगेन. अब धीरे धीरे जो है पूरी फॉरेस्ट में जो है ये स्मेल फैलने लगी. बट दिस टाइम इट वॉज द स्नेक्स. द मकारा रोट देम वन ऑफ हिज लेटर्स. अब एक महीना बीत गया था तो सेम थिंग हैपेंड. अब फिर दोबारा क्या चीज हुई कि इस टाइम किसका नंबर आया, स्नेक्स का. इससे पहले किसका नंबर आया था, टॉर्टोइसेस का. अब टॉर्टोइसेस के ना रहने से क्या हुआ था बच्चों, अनप्लीजेंट स्मेल जो है बैड स्मेल पूरे फॉरेस्ट में आने लगी. अब एक महीना बीत गया, अब मीटिंग का टाइम हुआ, तो अब किसका समय आया, फिर उसने वही करा, अपनी पावर का क्या करा, मिस यूज करा. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि ये बिग टॉर्टोइस है अगस्ते, अब वो किस तरह से लेटर जो है नॉट टू कम टू द मीटिंग. मकारा, मकारे ने एक लेटर लिख के दिया था और ये सारे टॉर्टोइस को वो बोल रहा है, एंग्री हो रहा है, राइट. मकारा रोट देम वन ऑफ हिज लेटर्स. अब दोबारा उसने जो है स्नेक्स को जो है मकारा ने क्या करा, ही रोट अ लेटर टू स्नेक्स. दे वर टू लीव द फॉरेस्ट एंड सिंस दे कुड मूव फास्ट दे हैड टू गो इन अ डे. अब क्योंकि अब किसका नंबर था, स्नेक्स का. आप सबको पता है स्नेक्स जो है बहुत जल्दी जल्दी जो है भाग जाते, तो उन्होंने मकारा ने क्या करा, उसको एक दिन का टाइम दिया स्नेक्स को कि तुम जो है एक दिन के अंदर अंदर जो है एक लेटर लिखा, ही रोट अ लेटर एंड सेंट इट टू द स्नेक्स. स्नेक्स को भेज दिया कि दे हैड टू गो इन अ डे, एक दिन के अंदर अंदर जो है पैम्बूपती का फॉरेस्ट जो है तुम खाली कर दो. नागा द हेड ऑफ दैट स्नेक्स. अब नागा जैसे उसमें अवस्थे था, और यहाँ पे कौन है, नागा जो हेड ऑफ द स्नेक्स था, प्लीडेड फॉर मोर टाइम. अब उसने जो है बहुत एक्सक्यूजेस मांगे, प्रार्थना करी, उसे प्लीड करा, बट मकारा वुड नॉट गिव इन. एंड द मीटिंग ही साइलेंस द अदर्स द लिजर्स एंड क्रोकोडाइल्स विद इवन लाउडर शाउट्स एंड थ्रेट्स. स्नेक्स आर स्लिमी दे ही सेड. कि स्लिमी मीन्स जैसे उनकी बॉडी होती है ना स्लिमी, एक थोड़ी सी स्मूथ सी चिपचिपी सी, तो उसने कहा ही स्नेक्स कैसे होते हैं, स्लिमी होते हैं. एंड दे मेक फनी नॉइजेस, और वो जो है एक फनी नॉइजेस करते. अब उसने एक्सक्यूजेस निकाले कि भाई मैंने अगर डिसाइड करा है कि ये गाँव विलेज छोड़ के जाएँ या जंगल छोड़ के जाएँ, तो क्यों जाएंगे, क्योंकि उनकी बॉडी कैसे हैं, विद इवन लाउडर शॉट्स एंड थ्रैट्स, मतलब एक जो है धमकाने के रूप में उसने बोला स्नेक्स कैसे हैं, स्लिमी है. एंड दे मेक फनी नॉइजेस, हु वांट्स सच वियर्ड क्रिएचर्स अराउंड. कौन चाहता है इतने जो हैं वियर्ड क्रिएचर्स को यहाँ पे. अगेन नो वन डेयर टू डिसएग्री. अब किसी में जो है हिम्मत नहीं हुई, नो वन डेयर टू डिसएग्री माने उससे जो है डिसएग्री होने की किसी पे हिम्मत नहीं थी मकारा से. एंड सो द स्नेक्स लेफ्ट. जैसे टॉर्टोइसेस ने जो है पैम्बूपती विलेज फॉरेस्ट को लेफ्ट करा था, सिमिलरली स्नेक्स लेफ्ट दैट फॉरेस्ट. फॉर ए वाइल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर हैप्पी. अब वही होता है कि थोड़े दिन तो सब खुश हो गए, बिकॉज दे हैड बीन अ लिटिल अफ्रेड ऑफ द स्नेक्स, क्योंकि सब जो है किसी स्नेक्स से डरते थे, सांप से कहीं काट दिया या कहीं अपना जो है पॉइजन दे दिया और उनकी डेथ हो जाती थी. तो कुछ लोग जो हैं, कुछ जो एनिमल्स थे वो क्या करते थे, डरते थे. तो वो क्या हुए, वर हैप्पी,
बिकॉज दे हैड बीन अ लिटिल अफ्रेड ऑफ द स्नेक्स, क्योंकि वो डरते थे स्नेक से. यू नेवर न्यू व्हेन वन ऑफ द माइट लॉस हिज टेंपर एंड स्पिट सम वेनम. वेनम किसको बोलते हैं बच्चों? पॉइजन को. कि कभी जो है वो क्या करते थे, माइट लॉस हिज टेंपर, कभी टेंपर लूज कर देते थे तो क्या करते थे, अपना पॉइजन छोड़ देते थे उसके ऊपर, जिसकी वजह से जो है नुकसान होता था. एंड इट टुक ओनली अ लिटिल पॉइजन टू किल यू. और वो थोड़ा सा पॉइजन क्या करता था, मर जाते थे लोग. एनिमल्स के बारे में बात हो रही, तो कई जो हैं एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अफ्रेड ऑफ द स्नेक. सो वो बहुत खुश हो रहे थे. और उन्होंने बताया कि कभी कभी जो है वो बहुत गुस्सा हो जाते थे तो अपना जो है पॉइजन जो है डाल देते थे किसी भी आने पर. द लिजर्ड्स वर ऑल्सो ऑर्डर टू लीव. द होल फॉरेस्ट नाउ बिलोंग टू मकारा एंड हिज ग्रुप. द क्रोकोडाइल फेस अनफॉरसीन प्रॉब्लम्स इन द एब्सेंस ऑफ देयर फेलो रेप्टाइल्स. अब यहाँ पे लिजर्ड्स वर ऑल्सो ऑर्डर टू लीव. अब लिजर्ड्स को भी जो है ऑर्डर दे दिया किसने, मकारा ने. एंड द होल फॉरेस्ट नाउ बिलोंग टू मकारा एंड हिज ग्रुप. अब जब लिजर्ड्स भी चली गई, टॉर्टोइस भी चले गए, स्नेक्स भी चले गए, अब कौन बचा वहाँ पे, मकारा और उसका ग्रुप. द क्रोकोडाइल्स फेस अनफॉरसीन प्रॉब्लम्स इन द एब्सेंस ऑफ देयर फेलो रेप्टाइल्स. अब जा सारे रेप्टाइल्स चले गए तो उनको जो है जो प्रॉब्लम्स उन्होंने कभी फेस नहीं करी थी, अब वो जो है अपने फेलो रेप्टाइल्स की वजह से जो है वहाँ पे क्या कर रहे थे, प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे. दे सून रियलाइज दैट देयर हैप्पीनेस ले इन देयर फेलो क्रिएचर. शीघ्र जो है उन्हें क्या रियलाइज हुआ कि भाई जितने हमारे फेलो क्रिएचर्स हैं, हमारी खुशी जो है हमारे जो है फेलो क्रिएचर से ही है. हैप्पीनेस एंड होम कमिंग, कि जब वो अपने घर आएंगे, फॉरेस्ट में आएंगे, तभी हमारी जो है खुशियाँ भी जो है वापस आएगी. तो दीज आर द पॉइंट जो हम अभी जो है डिस्कस करने जा रहे हैं. अ फ्यू वीक्स पास्ड एंड द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट लुक टायर्ड एंड फेड अप. अब कुछ हफ्ते बीत गए, राइट, अ फ्यू वीक्स पास्ड एंड एनिमल्स ऑफ, अब सारे एनिमल्स जो हैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए और फेड अप हो गए. क्यों हो गए थे? क्योंकि जो रैट्स थे, अब स्नेक्स क्या करते हैं बच्चों, रैट्स को खाते हैं. अब अगर स्नेक्स नहीं रहेंगे फॉरेस्ट में तो क्या होगा, किसका नंबर्स ज़्यादा होगा, रैट्स का ऑब्वियस है. तो रैट्स की संख्या जो है बढ़ने लगी क्योंकि स्नेक्स नहीं थे उनको, जैसे अभी मैंने बताया अगर हमें अपने इकोसिस्टम को बैलेंस करना है तो हम जो है क्या होते हैं, हमारी साइकिल होती है, राइट. अगर वो जो हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहते हैं जिससे कि हमारा इको सिस्टम जो है बैलेंस रहता है, तो यहाँ पे जो है रैट्स जो थे, द रैट्स, अब जो चूहे थे, नाउ दैट देयर वर नो स्नेक्स टू ईट देम. अब कोई स्नेक ही नहीं बचा क्योंकि मकारा ने क्या करा था बच्चों, ऑर्डर दे दिए थे कि जितने स्नेक्स हैं दे मूव आउट फ्रॉम द फॉरेस्ट, क्योंकि उसको जो है उनका जो बॉडी थी स्लिमी थी वो नहीं पसंद था, या वो हिस करते थे वो नहीं पसंद था. तो दैट इज़ वाई उन्होंने कहा भाई तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है इस फॉरेस्ट में, प्लीज मूव आउट फ्रॉम दिस फॉरेस्ट. द रैट्स हैड टेकन ओवर द फॉरेस्ट. अब इतने रैट्स हो गए, अब उनको किसी ने खाया नहीं और उन्हें बिल्कुल फ्रीडम मिल गया, अब वो पूरे फॉरेस्ट में जो है मूव करने लगे. एंड दे वर हैविंग वंडरफुल टाइम. अब क्योंकि उन्हें किसी से डर नहीं था, स्केयर्ड ही नहीं थे वो किसी से, क्योंकि जिनसे डरते थे वो जो है जंगल छोड़ के चले गए थे. तो रैट्स जो हैं उनके पास क्या था, दे हैव अ वंडरफुल टाइम. दे वर एवरीवेयर ऑन द ट्रीज. अब पूरे पेड़ों में उन्हीं का राज था, राइट, इन द ग्रास, इन द बुशेस, घासों में, झाड़ियों में, ऑन द ग्राउंड, एवरीवेयर जो थे हैड टेकन बाय द रैट्स. दे एट अप द एग्स ऑफ द लिजर्ड्स. अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया चूहों ने, कि लिजर्ड्स के अंडे खाने शुरू कर दिए और क्रोकोडाइल्स के. अब जो वो अंडे देते थे, क्योंकि पहले बताया था रेप्टाइल्स क्या करते हैं, दिले ले एग्स, तो उसने जो है रैट्स ने क्या करा, एट अप द एग्स ऑफ द लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स. देयर वुड बी नो बेबीज. अब क्या हुआ कि लिजर्ड और क्रोकोडाइल के जब अंडे खा गया कौन, रैट, तो कोई भी जो है बेबी क्रोकोडाइल नहीं होगा, बेबी लिजर्ड नहीं होंगे. देयर वुड बी नो बेबीज दैट ईयर. अब उस साल क्या हुआ कि वहाँ पे जो है छोटे छोटे बच्चों की जो है कमी हो गई, क्योंकि अंडे जो वो अंडे देते थे कौन खा जाता था, रैट्स, राइट. मकारा ओन नेस्ट ऑफ एग्स, और जो मकारा का अपना जो नेस्ट था उसमें से भी हैड बीन च्यूड अप, और जितने अंडे थे वो भी वो चबा गया, वो भी खा गया, वो कौन, रैट.
तो किसके, लिजर्ड के, क्रोकोडाइल के, अब यही बचे थे रैप्टाइल्स, इवन मकारा के, सबके जो हैं रैट्स एट अप द एक्स. देन मकारा हैड अ ग्रेट आइडिया, फिर से जो है उसको एक आइडिया आया मकारा को. ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल्स एंड सेट, अब जो क्रोकोडाइल्स बचे थे तो उन्होंने सारे क्रोकोडाइल्स को बुलाया. वुडेंट इट बी वंडरफुल इफ वी द क्रोकोडाइल्स वुड हैव द होल जंगल फॉर आर सेल्फ, नो वन बट अस. अब उसने कहा कि अब जो मीटिंग करी क्रोकोडाइल्स की, तो उसने कहा भाई ये कितना अच्छा होगा ना, वंडरफुल, कि यदि जो है क्रोकोडाइल्स के पास पूरा जंगल हो, मतलब जंगल में कोई एनिमल ना हो, राइट, कोई रैप्टाइल्स ना हो, और खाली हम जो है यहाँ पे राज करेंगे क्रोकोडाइल्स, नो वन बट अस. तो दीज लिजर्ड्स, अब उसे जो है लिजर्ड्स भी खटकने लगे. तो उसने कहा भाई लिजर्ड्स नाउ जस्ट लुक एट देम, कि इनको देखो, दे हैव द स्ट्रेंजेस्ट हैबिट्स, कितनी की अजीब सी हैबिट्स है इनकी, एंड सम ऑफ देम इवन चेंज कलर. और कुछ को देखो जब इतना रंग बदलती है, अभी देखो कैसा रंग है, कभी देखो कैसा रंग है. हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन हु इज ग्रीन वन मिनट रेड द नेक्स्ट. अब उसने कहा देखो ये जो है इसमें से कुछ जो है कैसे रंग बदलती है, हम इन पे कैसे ट्रस्ट करेंगे, विश्वास करेंगे. हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन, हम उस पे विश्वास कैसे करेंगे जो अभी जो है एक मिनट में ग्रीन है और दूसरे जो है मिनट में, नेक्स्ट मिनट में क्या है वो रेड है. तो हाउ कैन वी ट्रस्ट, राइट, तो हम उन पे विश्वास कैसे करेंगे कि अभी जब वो रंग बदल रही हैं तो कल को अपनी बात से भी मुकर जाएंगी. तो उनको जो है अब लिजर्ड्स को जो है जंगल से बाहर करना था, लेट्स गेट रिड ऑफ देम, कि हमें इनसे भी जो है छुटकारा पाना है. नाउ बाय नाउ द क्रोकोडाइल्स वर रियली स्केयर्ड ऑफ मकारा, अब क्रोकोडाइल्स वर रियली स्केयर्ड थे मकारा से, सो दे क्लैप्ड. अब उन्होंने जो है सबने, क्रोकोडाइल्स ने पहले डरे हुए थे वो, उन्होंने क्लैप करा एंड चीयर्ड और खूब खुश हो गए. मकारा वॉज प्लीज, द लिजर्ड्स लेफ्ट द फॉरेस्ट, अब लिजर्ड्स ने भी जो है लेफ्ट द फॉरेस्ट, सम विद देयर बेबीज ऑन देयर बैक्स, अब कुछ ने जो बेबीज, छोटे छोटे बच्चे थे, यहाँ पे दिखाया है, देखो यहाँ पे छोटे छोटे बेबीज को क्या करा अपने बैक में लिया और जो है दे लेफ्ट द फॉरेस्ट. तो बच्चों हमने देखा अभी व्हाट हैपेंड टू द रैप्टाइल्स चैप्टर में, किस तरह से जो है पेम्पूपति फॉरेस्ट से जो है किस तरह से मकारा जो है एक क्रोकोडाइल का हेड था, प्रेसिडेंट था पूरे, किस तरह से उन्होंने जो है अपनी पावर को मिसयूज करके जो है वहाँ के जो रेप्टाइल्स थे, स्नेक्स थे, किस तरह से उनको जो है टॉर्टोइस थे, लिजर्ड थी, उनको मूव आउट कर दिया था, मजबूर कर दिया था वहाँ जंगल को छोड़ने के लिए, और किस तरह से उनकी एब्सेंस में जो उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी. तो इसी को जो है हम कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस.